बॉलीवुड में सेक्सीज एक्टर कौन है? बिपाशा और जॉन के बीच छिड़ गई है बैटल ऑफ द सेक्सेस। बॉलीवुड के इस हॉट एक्स कपल के ड्रामेटिक स्प्लिट के बाद कुछ ऐसा है जो इनमें अभी भी बाकी है थोड़ी रंजिश। हाल ही में बिपाशा बासु दे रही थी एक इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि बिपाशा और उनकी मैनेजर खफा हो गई। बात पुराने जख्मों की थी, बात जॉन अब्राहम की थी। जॉन रिसेंटली वन द मोस्ट सेक्सीएस्ट मैन। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। एक चैनल ने जब फिटनेस को लेकर इंटरव्यू दे रही बिपाशा से पूछा कि जॉन तो सेक्सीएस्ट मैन अलाइव है, तो इस पर पूरा इंटरव्यू ही रुकवा दिया गया। रिसेंटली एक मैगजीन ने जॉन को सेक्सीएस्ट मैन का खिताब दिया था और इस पर बिपाशा ने अपनाया ये रुख। वैसे सोर्सेस की माने तो इसके बाद बिपाशा काफी खफा हो गई। जॉन के सेक्सी रूप पर होंठ सी लेने वाली बिपाशा ने जॉन का टैग सलमान को दे दिया। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद हुए हमारे इंटरव्यू में बिप्स को सवाल दूसरी तरह से पूछा गया, कौन है बॉलीवुड का सेक्सीएस्ट एक्टर? इस पर थोड़ी सोच में रही बिपाशा और अपनी टीम की तरफ भी इसके जवाब के लिए देखा। सेक्सीएस्ट बॉलीवुड में सेक्सीएस्ट एक्टर कौन है? और ये साफ किया कि सलमान को सेक्सीएस्ट एक्टर उनकी टीम बुला रही है। वहाँ से आ रहा नाम सलमान खान। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? पूरी गर्ल टीम बोल रही है सलमान खान। लेकिन फिर खुद अफर्मेटिवली सेक्सीएस्ट बॉलीवुड एक्टर का टैग सलमान को दे दिया। He definitely has been like that poster boy from the time we were really small, and he still looks so drop dead gorgeous. So yeah, yeah. जहां जॉन का खिताब बिपाशा ने अंडर द टेबल सलमान को दे दिया, वहीं कभी बिप्स को सेक्सीएस्ट वुमन बताने वाले जॉन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये टैग अब अपनी करंट गर्लफ्रेंड प्रिया को दे दिया। The sexy thing is the sexiest woman alive then. Well, I would say Priya, definitely. I mean, she's attractive and so I'm with her. अपने एक्स के सेक्सी टैग पर एक्स से वार करना और नो कमेंट्स के आलाप से तो लगता है कि ये बैटल ऑफ द सेक्सेस जब ऐसा कोई टैग आएगा तो और भी गर्म ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।